हेलो गाइस, आई एम लक्ष्य, आई एम फ्रॉम रानीबाग स्टोर। आज हम बात करेंगे बेबी एट के स्टॉलर के बारे में। ये हमारा जो स्टॉलर है वह है, जो आज हमारे पास मॉडल है वो इसका लिल जीफी मॉडल। ये देखिए, ये हमारा 6 मंथ से 3 इयर्स तक यूज़ होता है। इसकी कैरिंग कैपेसिटी अप टू 25 kgs है। सबसे पहले हम इसके हैंडल से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इसका टू वे हैंडल आता है, दो साइड से पकड़ने वाला हैंडल आता है हमें इसमें। देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छी ग्रिपिंग दी गई है, जो सेट स्वेट को अब्जॉर्ब करता है। मतलब ये इसमें बहुत अच्छी ग्रिपिंग बनेगी बच्चे को ग्रिप कर, मतलब ये हैंडल को ग्रिप करने के लिए। हाथ से फिसलेगा नहीं, आपके सेट को अब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद हम इसकी कैनोपी की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए, इसमें हमें एक फुल कैनोपी मिलती है जो बच्चे को हार्मफुल सनराइज से हेल्प करेगी। फुल कैनोपी मिलती है और इसका एक एडवांटेज है, आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसके दोनों साइड से लॉक्स आते हैं। ऐसे ऊपर करेंगे अनलॉक हो जाएगा, देन लॉक हो जाएगा ये। उसके बाद हमें इसमें एक पिकाबो विंडो मिलती है। ये देखिए, सी थ्रू मिलता है बच्चे को देखने के लिए अंदर कि बच्चा क्या मूवमेंट कर रहा है। और आप चाहे तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं, अगर क्लाउडी वेदर है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद हम इसे इसकी कुशनिंग की बात करेंगे। ये बहुत अच्छी कुशनिंग के साथ आता है। ये देखिए, यहाँ भी हमें एक ब्रीथेबल फैब्रिक लगाया गया है जिससे जो स्वेट को अब्जॉर्ब करेगा, बच्चे की कमर पर स्वेट नहीं आने देगा। उसके बाद इसमें हमें 5.5 सेफ्टी हार्नेस बेल्ट मिलती है। ये देखिए, बटन प्रेस करके ये अनलॉक हो जाती है, एंड देन इसको आप इजीली लॉक कर सकते हैं इस टाइप से। ये बच्चे के शोल्डर एरिया, क्लाउच एरिया और थाई एरिया को कवर करेगी। उसके यहाँ पे भी एक बम्पर बार मिलता है हमें, बच्चा अगर सिटिंग पोजिशन में है तो बच्चा इसे आराम से ग्रिप कर सकता है। देन उसके बाद हमें इसमें फुट प्रेस मिलता है। देखिए, इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप नीचे कर सकते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग। अगर रिक्लाइनिंग पोजीशन में है तो आप कर सकते हैं, जिससे बच्चे के पैर लटके ना। यहाँ भी एक फुटरेस मिलता है, इसमें बच्चा आराम से पैर रख सकते हैं। देन इसके बाद हमें यहाँ पे एक पॉकेट मिलती है। ये देखिए, ये ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। लाइट वेट है, ईजी टू कैरी है, कहीं भी आप आराम से ले जा सकते हैं। और इसके व्हील्स की बात करेंगे, इसके व्हील्स देखिए 360 and 180 degree मूवेबल व्हील्स हैं। ये देखिए 360, और इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ से इसका लॉक आता है, इसको आप ऐसे अप करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए, अब ये लॉक हो गया, डाउन करेंगे तो 360 मूव करेगा। ये देखिए, इस साइड से 360 मूव करेगा। पीछे ब्रेक्स में ब्रेकिंग दी गई है, क्योंकि कोई रिक्लाइनिंग पोजिशन है, कोई रिक्लाइनिंग जगह है, ढलान वाली जगह है, जिससे अब ये देखिए मूव नहीं करेंगे, व्हील्स मूव नहीं हो रहे हैं। अप करेंगे इजिली व्हील मूव करने लग जाएंगे। जहाँ तक इसकी फोल्डिंग की बात है, फोल्डिंग देखिए, यहाँ पे एक मैकेनिज्म दिया गया है, इसको आप अप करेंगे। ये देखिए, लॉक मैकेनिज्म की तरह दिया गया, इसको हल्का सा अप करना है और देन आगे की तरफ पुश कर देना है इजीली। ये देखिए, इजीली लॉक हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एक लॉक दिया जाता है। ये देखिए, इस टाइप से एक हुक टाइप का मैकेनिज्म है, इसको वैसे अटैच कर देंगे। अभी इजीली एक बैग की शेप में अब इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है, बहुत इजी टू ट्रैवल है, और बेसिकली ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन है। जहाँ तक इसके MRP की बात है, इसकी MRP 4595 है। थैंक यू।